अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेड नाउ टीवी में आपका इस्तकबाल है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर गुलबर्गा शहर में ज़बरदस्त कैंडल मार्च रैली निकाली गई, जिसमें मर्द और ख़वातीन और हिंदू मुस्लिम बड़े बूढ़े बच्चे सब शामिल थे। हाल ही में हुए अहमदाबाद के आयशा आरिफ खान के खुदकुशी पर भी गुस्से का इजहार किया गया। आइए डालते हैं इसी मामले से जुड़ी इस वीडियो पर एक नज़र। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे जेड नाउ टीवी, यही सच है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमन शिकारी है। मैं एक बेटी होने के नाते हर माँ बाप से गुजारिश करती हूँ कि बेटी के शादी के दिन बेटी से ये कहे कि हम आपकी शादी एक अच्छे इंसान से कर रहे हैं, अगर वो जानवर बन जाए तो हमारे घर का दरवाजा आपके लिए आधी रात को खुला है। बेटी शादी के बाद कभी राई नहीं होती बल्कि समाज की नजरों में पराई हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, हिम्मत मत हारना, ऐसे गद्दारों को फांसी की सजा के लिए आना, आगे बढ़ना, हिम्मत मत हारना, चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख ईसाई, किसी भी मजहब की बेटी कभी हिम्मत मत हारना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। आज हम आयशा के लिए जो यहाँ पर कैंडल मार्च जो किए हैं, आयशा का तो मसला ऐसा हुआ कि कमीना, नीच, जलील इंसान, कुत्ता कमीना जो आयशा की जान लिया, आरिफ कमीना कुत्ता आयशा के, जो आयशा को मरने पर उकसाया है। मेरी अपील है पूरे तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे हिंदुस्तान के माँ और बहनों से बेटियों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे दरिंदों को हम अपनी जान देकर ये मकसद पूरा नहीं करना, कानून की मदद लेना, कोर्ट कचहरी को जाना, इनको ऐसी ऐसी सजा दिलाना ताकि इनकी माँ के पेट से पैदा होने के बाद जब भी ऐसा इनको जुल्म ज्यादती इनको ऐसी सजा नहीं मिली होंगी, वैसी सजा देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, जय भीम। और आयशा को जो अन्याय हो गए है उससे हम बहुत जने पूरे जने खिलाफ है। आयशा जैसी लड़की बहुत सारे जने है दुनिया में, ये दुनिया में हर एक लड़की को ऐसा होता जा रहा तो बहुत अन्याय होता है, इसलिए खंडाई करती मैं इसको। कहीं को बोलते ये नहीं होना, महिला बोले तो सब मेरे बहन हो, मेरी बेटी हो, मेरे चाची की बेटी हो, हर एक बेटी मेरी बेटी, हर एक बहन मेरी बहन, उसको अन्याय नहीं होने देना, उसको सजा देना और चप्पल से मारना, उसको कौन है वो, उसको फांसी का सजा देना। मैं इतना गुजारिश करती हूँ आपसे।